आज किया है चाय में पड़ती है चीनी और आज मैं खाने वाली हूँ फूड विचारों में मिनी। तो गाइस ये रहा मेरा मिनी किचन एंड सुबह सुबह मैं पीने वाली हूँ गर्मा गर्म चाय। यार ये महंगे मेहमानों वाले कप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये अलग मेहमानों वाले कप तोड़ दिए। मैंने स्टार प्लस की बहू हूँ, देख रहा हूँ कितना सज धज के खाना बना। सबसे पहले पैन रखेंगे, पानी जी को डालेंगे, चाय के पति जी को ढकेलेंगे, चीन से आई चीनी को डालेंगे और फिर दूध से स्नान कराएंगे और फिर जहरीली गर्मी में उसे इतना तड़पाएंगे कि वो पक के हमारा चाय बन जाए और फिर छन्नी से छान लेंगे। तो गाइस हमारा चाय बिल्कुल रेडी है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मिनी बर्गर। तो यार मिनी बर्गर के लिए ना हमें बहुत सारी मिनी मिनी सब्जियां चाहिए जो कि मेरे पास है फ्रिज में। टमाटरों को स्नान करा देते हैं। तो गाइस हमारी टिक्की ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। ये रहे मेरे मिनी मिनी बन। ये गया हमारा टमाटर, ये गया हमारा मिनी प्याज, ये गए बहुत सारे लेटस एंड फिर चीज टिक्की और ये लास्ट ऊपर से बर्गर की टोपी। ओके वाओ गाइस हमारा बर्गर बिल्कुल रेडी है एंड ये थोड़ा सा ना लंबा बर्गर बन गया है बट कोई बात नहीं, क्यूट है। तो हमारा ब्रेकफास्ट का एक पार्ट तो बिल्कुल रेडी है। आओ चलो हम नेक्स्ट पिज्जा बनाते हैं। हमें मिनी पिज्जा बेस लेना है, ये हमने घर में ही बनाया है और पिज्जा के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैंने यहाँ पे रखे हैं। वैसे यार वीडियो देखने में लग रहा है बहुत इजी है लेकिन ये छोटी छोटी चीजें पकड़ना ना बहुत डिफिकल्ट था। तो पिज्जा सॉस स्प्रेड कर दिया, फिर अनियन, कैप्सिकम एंड टमाटोज डाल दिए उस पे, फिर चीज ग्रेट कर दिया अपने क्यूट से छुटकू से कद्दूकसर से और ये गया हमारा मिनी पिज्जा हमारे तवे पे। वैसे ये इस पे पका ही नहीं तो हमने इसे रियल ओवन में बाद में डाल दिया था। तो गाइस जब तक मेरा पिज्जा बेक हो रहा है तब तक मैं बना रही हूँ कुछ फ्रेंच फ्राइज, काफी यम लग रहा है। हमारे फ्राइज भी बिल्कुल रेडी हैं, ये इतना प्यारा लग रहा है, इतना क्यूट सा छोटू सा बना है। नेक्स्ट मैंने मिनी सा फ्रूट लूप्स लिया और उसे रेडी कर लिया और फिर मुझे ना थोड़े से आइस चाहिए थे तो मैंने आइस ट्रे में पानी फिल कर लिया और फिर उसे फ्रीजर में फ्रीज कर लिया। पेप्सी माजा थम्स अप पियो, पेप्सी माजा थम्स अप पियो, अपना लाइफ का 10 साल कम ही जियो, पियो भाई पियो, कगा धड़ाम से गिरो, कोका कोला थम्स अप मजा पियो। बिल्कुल रेडी है, ये रहा मेरा पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, ड्रिंक एंड फ्रूट लूप्स। आय हाय टेस्ट करते हैं अपना पिज्जा। वाह गाइस मैं दुनिया की पहली ऐसी लड़की हूं जिसने एक बार में पूरा पिज्जा खा लिया और फिर भी उसका पेट नहीं भरा। हम फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं ऐसा लग रहा है मैं पान मसाला खा रही हूं। बोलो फ्रेंच फ्राइज केसरी, बोलो जिबा केसरी। पहली बार ऐसा लग रहा है कि बर्गर का एक एक फ्लेवर आ रहा है क्योंकि जब भी मैं बर्गर खाती हूँ ना तो मत या तो सिर्फ पाव मिलता है या तो कभी आलू मिलता है, मतलब आलू इधर लड़िया, आलू इधर फिसला होता है, पाव इधर फिसला होता है। A few moments later. अभी मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए लंच क्योंकि लंच बनाते बनाते टाइम लगेगा एंड तब तक लंच का टाइम भी हो जाएगा। गाइस मुझे लग रहा है ना मेरा ये चावल का कुकर ब्लास्ट हो जाएगा। और अब बनाएंगे हम सब्जी। ये मैंने अपना सिर्फ पकड़ का शो ऑफ कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। अब इसमें जाएंगे मसाले, नमक, शमक। सब्जी की हालत चेक कर लेते हैं। ओके सब्जी तो अच्छा बन रहा है। मेरा चावल जल गया। ओह माय गॉड गाइस 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 चावल जल चुका है। ओ भाई साहब नीचे क्या हालत है, प्लीज बच जाना नीचे, चावल बस मेरा बच जाए प्लीज। मौत को छू के टक से वापस आ सकता। सब्जी बन गई, अब बारी है रोटी की। वैसे मेरी रोटी गोल बनी है यार, ये देख रहे हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये देखो। वाओ हम बहुत छोटे हैं सर, आपकी कला के सामने ये तो सब कुछ बहुत ही नीचा। मेरी रोटी को पिंपल निकलना स्टार्ट हो गया है। यार मैं सोच रही हूँ मैं इतना अच्छा खाना बनाई रही हूँ ना मैं एक लंच का बिजनेस स्टार्ट कर लूँ। तो गाइस किसका किसका दांतों करवाना है आजा मेरे पास। पर ये ऑफ कोर्स
दांतों का। ये लिया रोटी एंड यार ये क्या हो गया? बन चुका है। ये रोटी है या पत्थर है? सब्जी अच्छी बनी है, बस रोटी थोड़ा सा जल गया। अब खाऊंगी मैं दाल चावल मिला के। अच्छा मुझे ना ऐसे स्पून से खाया नहीं जाएगा। मैं क्या करने वाली हूँ, एक थाली ऐसे मुंह में घुसेड़ लूंगी। ये देखो कैसे। यार मैं थक गई हूँ यार, बनाओ फिर खाओ फिर पेट भी नहीं भरेगा। मैं बनाने वाली हूँ मिनी मैगी, मैगी मैगी। और गाइस मैं देखती हूँ कि ये छुटकू मैगी 2 मिनट में बनता है या नहीं। वैसे तो इसे 2 सेकंड में बन जाना चाहिए, बट लेट्स सी कितना टाइम लगता है इसे बनने में। तो मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब, तो जल्दी से डाल देंगे हम अपने मैगी मैगी मैगी, पूरा मसाला डाल देंगे। ओह माय गॉड गाइस, मेरे मसाले का पैकेट ही पड़ गया इसमें। ओम फो, एक बाल्टी पानी। वाओ फाइनली मेरा पेट भरा। कमेंट से बताओ मैंने कितने प्लेट्स मैगी खाए होंगे। पानी पी लेते हैं यार फ्रिज से बोतल निकाल के। गाइस अभी हो चुका है स्नैक्स टाइम, एंड स्नैक्स के लिए मैंने ट्रॉली भर चिप्स खरीद के लाए हैं। भाई साहब देख रहे हो इतनी सारी मैंने शॉपिंग की है। कुरकुरे टेढ़ा है, टेढ़ा है पर मेरा है। अच्छा गाइस कमेंट करके बताओ आपका इन दोनों में से फेवरेट क्या है, टेढ़े मेढ़े या फिर कुरकुरे। वाओ यार इतने क्यूट से मिनी टेढ़े मेढ़े खाते हैं। मैंने अभी बहुत सारी ओरियो बिस्किट्स ले ली हैं, इसे खाते हैं। अभी डिनर के लिए मैं बनाने वाली हूँ पैनकेक्स। यार सुबह से मैं जो भी बना रही हूँ ना मेरे मुंह में तुरंत पानी आ जा रहा है। ऐसा लग रहा है ना मैं कई सालों से मैंने कुछ खाया ही नहीं है। तो गाइस हमारा पैनकेक रेडी हो चुका है, एंड अब इसके ऊपर जाएगा चॉकलेट सिरप। अब क्योंकि गाइस मेरा पेट बहुत बड़ा है एंड पैनकेक बहुत छोटा था, तो मुझे और पैनकेक्स खाने। लेकिन अगर मैं उस मिनी तवे पे पैनकेक्स बनाऊंगी ना तो मुझे रात हो जाएगी एंड मैं भूखे ही मर जाऊंगी। तो मैं पैनकेक्स तो बिल्कुल छोटी ही बनाने वाली हूँ, लेकिन मैं बड़ा तवा यूज करने वाली हूँ ताकि ईजिली हो जाए एंड मेरा चैलेंज कम्प्लीट हो जाए। अब मैं आपको दिखाती हूँ पैनकेक खाया कैसे जाता है। एंड इसी के साथ मेरा चैलेंज भी खत्म होता है एंड मैं बहुत थक चुकी हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरे अरे जा कहाँ रहे हो, ये वाली वीडियो देखी क्या? नहीं देखी तो क्लिक करो और जल्दी से देखो।